जो राम लगन है, उम्र लगभग 32 वर्ष है इसकी, ये गोंडा में बलरामपुर जनपद का रहने वाला है, जो किराए के मकान पर बिजनौर क्षेत्र में रहता था और ये भी 15 दिन पहले आया था। इसके पहले गौरी में रहता था, गौरी सरोजनी नगर में। ये अपनी पत्नी, इसकी लगभग 7 साल की पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी है। इसको संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है, और इस चूँकि वो टेलीफोन से बात करती थी तो ये छिप छिप करके देखता भी था, और कई बार इस बात पर इनकी कहासुनी भी हुई, झगड़ा भी हुआ। उसको समझाने का प्रयास भी किया, वो नहीं मानी इसके कथनानुसार। बीच में वो इससे रूठ करके चली भी गई थी, कहीं और रह रही थी। फिर इसने खोजबीन किया तो वो मिल गई, उसको लेके आ गया, और उसके बाद फिर इसने यहाँ पर बिजनौर क्षेत्र में इसने किराया कमरा 15 तारीख को लिया और वहाँ रह रहा। दिनांक 28/29 की रात में इनका इसी बात को लेके आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में इसने पत्नी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद अपना बेटा जो उम्र 3 साल है और बेटी उम्र 6 साल पायल, उसको गला दबा करके हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद फिर वहीं पर कमरे में रात भर सोया, दिन में अपना घुमा फिरा बाहर रहा, शाम को फिर आया, फिर रात में सोया, और आज सुबह ये निकल करके चला गया। इसके जो मकान मालिक है अमृत लाल, उनको जब वहाँ बदबू आई, क्योंकि वो बगल के मकान में उनका दूसरा मकान है उसमें रहते हैं, तो वो जाकर के अपने बेटे सहित वहाँ गए तो देखा खिड़की में, चूंकि दरवाजा नहीं लगा हुआ है तो पर्दा लगा हुआ, पर्दा हटा के देखा तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो इसने थाने पर सूचना दी, थाने पर सूचना मिलने में तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट बुलाई गई, इसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई और तत्परता से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त राम लगन ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और इसको गिरफ्तार किया ही जा चुका है। जितनी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके इसको जल्दी ही इसको सजा दिलाने का काम किया गया।